हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और आज के इस वीडियो में हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कवर करेंगे पोएम, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई है। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जॉन मिल्टन के बारे में और इस पोएम के बारे में, कि जॉन मिल्टन जब 42 साल के थे, ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए, एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड ग्रीव्ड एट हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। और अपनी इस ब्लाइंडनेस की वजह से वो काफ़ी नाराज थे, काफ़ी शॉक थे, काफ़ी दुखी थे। और इस पोएम में वो बताते हैं कि कैसे उनके मन से एक आवाज़ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं ऊपर जाऊं तो भगवान मुझे डांटे या फटकारे कि जो टैलेंट मैंने तुम्हें दिया था लिखने के लिए जॉन, वो तुमने यूज ही नहीं किया। मैंने तो तुम्हें लिखने का टैलेंट दिया था और तुमने अपने अंधे होने का बहाना बनाकर इस टैलेंट को यूज नहीं किया। उनके मन से ही आवाज़ आती है कि अगर मैं नहीं लिखता हूं तो ये टैलेंट मरने के समान है, मेरे साथ पूरे जीवन पड़ा रहेगा और ये टैलेंट मरने के समान है। फिर उनके मन से ही एक और आवाज़ आती है जो उनका पेशेंस होता है, वो आवाज़ करता है कि देखो ऐसा नहीं है जॉन कि आप पोएम लिखो या फिर आप अपने काम करो या फिर कोई गिफ्ट दो तभी भगवान खुश होंगे। भगवान को आपके गिफ्ट, आपके काम की जरूरत नहीं है। भगवान को तो सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आप जो सही राह है उस पर चलते रहो। यानी कि आपका काम है पोएम लिखना, तो आप पोएम लिखते रहो। आप अंधे हो गए तो ठीक है, आप किसी और की मदद से या जो भी हो सकता है, जो रास्ता आपसे हो पड़ता है वो करो, बट खाली नहीं बैठो। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। आई होप कि आप ये वीडियो हेल्पफुल पाओगे, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। इस तरह से लिखा, देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, एयर, एयर का मतलब है बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट मीन्स जो वो पोएम लिखने का टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, अब वो मौत के समान है उसको छिपाना, लॉज मतलब पड़ा है मेरे साथ, विथ मी यूजलेस थ्रू माई सोल मोर बेंट, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो ज्यादा अब ढीढ़ हो गई है, नरम पड़ गई है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ठीक है, तो यहां तक पढ़ते थे कैसे कि जब मैं ये सोचता हूँ, वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, वेन आई कंसिडर, जब मैं ये सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ए हाफ माई डेज, मेरे जिंदगी के आधे दिन भी नहीं पूरे हुए, मतलब अभी 50 साल का भी नहीं हुआ, या मतलब आदमी 100 साल तक जीता था उस टाइम पे, तो उनको लगता है कि अभी 50 साल का भी नहीं हुआ, 42 साल की उम्र में मेरी रोशनी चली गई आंखों की। जब मैं ये सोचता हूँ इस घने अंधेरे संसार में, इस घने डार्क वाइड संसार में, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, आप वो जो दिखाई देता है ना सब कुछ अंधेरा जैसा, वही है डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और वो एक टैलेंट, एंड दैट वन टैलेंट, कौन सा टैलेंट, वो जो लिखने वाला टैलेंट है, दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, वो मौत के समान है छिपाना। अगर मैं अब नहीं लिखूं, अगर मैं आज से पोएम लिखना बंद कर दूं, 42 साल की उम्र के बाद जॉन ऐसा बोलते हैं कि अगर अब मैं पोएम नहीं लिखूं तो ये मौत के समान होगा, इस टैलेंट को छिपाना, जो टैलेंट मुझे भगवान ने दिया है लिखने का। हर आदमी को अपना टैलेंट पहचानना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। लॉज विथ मी यूजलेस, जो पड़ा रहेगा मेरे साथ यूजलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो मेरे साथ ऐसे ही पड़ा रहेगा। दो, यद्यपि मेरी आत्मा और भी ज्यादा ढीढ़ हो चुकी है, अब अंधा होने के बाद मेरी आत्मा और भी ढीढ़ हुई है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, अपने इस गुड़ के साथ, मेरे बनाने वाले को, जिसने भी मुझे बनाया है, जिसने भी ये मुझे टैलेंट दिया है, अब मेरी आत्मा और बेंट हो चुकी है उनको सर्व करने के लिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना ट्रू अकाउंट, जो वास्तविक अकाउंट है कि जो मुझे लिखने का टैलेंट मिला है, वो सही ढंग से मैं जाके उनको दिखा पाऊं कि देखो गॉड, आपने जॉन को ये अकाउंट दिया था और ये अकाउंट मैंने ऐसे ऐसे किया है। लेफ्ट ही, कहीं ऐसा ना हो, लेफ्ट का प्रयोग आप करते हो, कहीं ऐसा ना हो, लेफ्ट ही रिटर्निंग चैट, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो बदले में मुझे फटकार दे कि जॉन मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था लिखने का और तुम वो भी नहीं कर पाए, रिटर्निंग चैट। अब यहां से देखो, दोथ गॉड, दोथ मतलब डज है ना, उस टाइम पे लिखा गया तो उस टाइम पे इस तरह की लैंग्वेज यूज होती थी, दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये क्वेश्चन मार्क है। यहां पे मिल्टन अपने आप से बोलते हैं, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान उनसे भी कठोर श्रम मांगते हैं, लाइट डिनाइड, जिनसे आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, मतलब मुझसे आंखों की रोशनी छीन ली गई है, और क्या भगवान मुझसे भी कठिन परिश्रम मांगते हैं, ये मिल्टन अपने आप से बोल रहे हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, मतलब मैं मूर्खतापूर्वक ये बात अपने आप से पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन जो धैर्य है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। अब यहां से दो लाइन फिर से देखो, क्या गॉड उससे भी कठोर परिश्रम मांगते हैं जिनसे आंखों की रोशनी छीन ली गई है, ये बात मैं मूर्खतापूर्वक बोलता हूँ, पूछता हूँ, कहता हूँ, लेकिन जो मेरा पेशेंस है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट,
रोकने के लिए वो जो पेशेंट है दैट मर्मर, उस गुनगुनाहट को, कौन सी गुनगुनाहट जो उन्होंने बोली थी कि क्या भगवान उससे भी कठोर परिश्रम मांगते हैं जिनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, उस मर्मर को, उस गुनगुनाहट को रोकने के लिए, बट पेशेंस, लेकिन वो जो धैर्य है टू पेशेंस टू प्रिवेंट, रोकने के लिए दैट मर्मर, उस गुनगुनाहट को सून रिप्लाइज, तुरंत जवाब देता है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। न तो भगवान को जरूरत है आदमी के कार्यों की और उसके गिफ्ट की। हु बेस्ट बियर हिज माइट योग, जो भी बहुत ही अच्छे ढंग से उसके छोटी सी डांट या हल्की सी जो डांट होती है, जो उसकी फटकार होती है, जो वो यातनाएं देता है, जो पीड़ाएं, कष्ट, तकलीफ जो भी थोड़ी बहुत देता है, माइल्ड होता है वो, बहुत ही माइल्ड होता है ना, उसको बियर कर लेता है। दिस सर्व हिम बेस्ट, वो भी उसकी सबसे अच्छी सेवा कर लेते हैं। अगर आपको जो भी तकलीफें जिंदगी में बाधाएं आ रही हैं, अगर आप उसको झेलते हो चुपचाप और उसको भी चुपचाप अपने लाइफ में आने देते हो, तो आप भी बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो भगवान की स्टेट है, गॉड स्टेट, उसकी जो स्टेट है इज किंगली, वो राजाओं वाली है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों लोग उसकी नियंत्रण वाली स्पीड पे है, जब वो चाहे दे तब। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो जमीन आसमान एक कर सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन मतलब वो लैंड और ओशन को पार कर सकते हैं बिना रुके, थाउजेंड लोग उसकी नियंत्रण वाली स्पीड में। वो जो मर्मर था उसको रोकने के लिए उनका पेशेंस तुरंत रिप्लाई करता है कि भगवान को जरूरत नहीं है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, या उसके खुद के गिफ्ट। अगर आप कुछ दे रहे हो भगवान को, क्या है उसी का तो है, तो उसको ना तो गिफ्ट की जरूरत है ना तो इंसान के काम की जरूरत है। जो लोग अच्छे से उसके माइल्ड योग, देखो योग जो होता है ना, वो एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो भी बैल होते हैं उनके गर्दन के ऊपर एक वुड का टाइप का होता है, उसे रख दिया था ताकि वो सामान खींच सके, तो वही योग होता है। बट इसका मतलब हार्श ट्रीटमेंट भी होता है। तो जो भी उनके बियर मतलब सहना, उसके उनके माइल्ड योग को झेल लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उनको बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, क्योंकि जो भगवान की स्टेट है वो किंगली है, वो राजाओं वाली है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसकी नियंत्रण वाली स्पीड पे हैं और पार कर सकते हैं बिना रुके लैंड और ओशन को। दे ऑल्सो सर्व हु वर्ली स्टूड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट, वे भी लोग भगवान की सेवा करते हैं जो लोग चुपचाप खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। इसलिए कभी भी आप निराश ना होइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप इस पोएम को जरूर पढ़िए, और जो भी आपका सही काम है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे अंदर टैलेंट है, ये एक काम है जो मैं करता हूँ, जो अच्छे से कर सकता हूँ, आप उसको कीजिए। वही भगवान की पूजा है और वही भगवान के लिए सब कुछ है। आप अगरबत्ती जलाइए, ये पूजा नहीं है। तो कुछ इस तरह का है इस पोएम मेरे लिए, मतलब है ना, कि आपका जो काम है उसको अच्छे से करिए, उस जगह पर खड़े रहिए और इंतजार कीजिए जब भगवान आपको बुलाएंगे कि ठीक है आओ और अपना ट्रू अकाउंट दो, तो आप जाके अपना ट्रू अकाउंट दीजिए। तो दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं भगवान की, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप मंदिर में जाते हो तो मतलब भीड़ में ही आपको घुसना है वहां पे, है ना, कि भगवान को मैं देख लूं जाके, किसी तरह से दर्शन कर लूं। ऐसा नहीं, अगर आपको बहुत भीड़ लगती है, आपको लगता है कि वहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आप बाहर से ही खड़े होकर अगर हाथ जोड़ लो तो वो भी उतनी ही फल मिलेगा आपको और उतनी ही आपको भगवान की कृपा होगी जितना कोई वहां अंदर जाके दर्शन करेगा। तो आज के लिए इतना ही था इस पोएम में, जॉन मिल्टन की इस पोएम के साथ ही आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। फिर किसी और पोएम के साथ नेक्स्ट संडे तक मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।